मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को आसानी से दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन है बुधवार का, तारीख है 4 सितंबर 2024, भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा पर चंद्रमा सिंह राशि और उत्तरा फागुनी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी ईशान, राहु काल रहेगा दोपहर को 12:20 से लेकर के दोपहर में 1:55 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:40 से लेकर शाम को 7:47 तक। और विशेष क्या है, अगस्त अर्ध है, भाद्रपद चंद्र दर्शन पर्व है, पहली बार जब अमावस्या के बाद क्षितिज पर नया चांद निकलता है उसे ही चंद्र दर्शन पर्व माना जाता है। बड़ा विशिष्ट दिन माना गया है पॉजिटिविटी जीवन में लाने के लिए, जीवन को सुगम बनाने के लिए, अपनी मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि जो चंद्र उदय का समय है भाद्रपद चंद्र दर्शन पर्व के, चंद्रमा के उदय होने का समय है, वो है शाम को 6:39 पर। और हमारा जो विशेष उपाय है वो भी भाद्रपद चंद्र दर्शन पर्व से ही संबंधित है। बताएंगे आपको सौभाग्य की कैसे प्राप्ति होगी, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, धन लाभ के योग हैं, भाषा पर थोड़ा काबू रखें, नौकरी में प्रमोशन की संभावना है, सामाजिक काम में भाग लेंगे। उपाय ये करें कि मूंग के दाने पानी में बहा दें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, घरेलू कामकाज में भागदौड़ रहेगी, नए लोगों के साथ में संपर्क बढ़ेगा, आर्थिक निवेश से लाभ होगा, आर्थिक कामकाज जो है उसमें सफलता मिलेगी, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। उपाय ये करें कि किसी गरीब को हरे फल दान करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे, नए कामकाज के प्लान्स बनाएंगे, लोगों की नकल करने से आपको बचना होगा, जीवन साथी की भावनाएं समझें, सोचे हुए कामकाज जल्दी निपटेंगे, आपके कामकाज की भी तारीफ होगी। उपाय ये करेंगे तुलसी के निमित्त तेल का दीपक करें। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, खास पसंदीदा भोजन प्राप्ति होने के योग हैं, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने जाएंगे, नौकरी में कड़ी मेहनत करेंगे, बस लापरवाही से आपको बचना होगा, कुमारों को विवाह प्रस्ताव भी मिलेगा। उपाय ये करें कि घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, कारोबारी लाभ के योग हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सरकारी कामकाज सफल रहेंगे, आजीविका में वृद्धि के योग हैं, पारिवारिक तालमेल बेहतर रहेगा। उपाय ये करेंगे जेब में 5 रुपये का सिक्का रखें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, कामकाज में दोस्त सहयोग देंगे, सारे कामकाज मन मुताबिक पूरे होंगे, व्यापारिक लाभ होगा, नए संबंधों से लाभ की संभावना है, बस सेहत पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उपाय ये करें कि पिस्ता का सेवन करें। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, क्रोध पर काबू रखें, परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा, व्यापार में हानि की संभावना है, निजी जीवन कुछ व्यस्त रह सकता है, व्यर्थ की शंका से बचें। उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए हरे मूंग रखें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, अधूरे कामकाज पूरे होंगे, करियर के लिए चिंता रह सकती है, कामकाज में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा, घरेलू जिम्मेदारियां निभाएंगे, सहकर्मियों से मनमुटाव की संभावना है। उपाय ये करें कि हरे पेन से धन लिखकर जेब में रखें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। बात करेंगे नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की, खर्चों में वृद्धि होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी, परिजनों की सलाह से लाभ होगा, कारोबारी शत्रुओं से सतर्क रहें, सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। उपाय ये करेंगे कलाई पर हरा धागा बांधें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, लोगों की बातों को तूल ना देना आपके लिए हितकर रहेगा, आर्थिक क्षेत्र में सुधार आएगा, धन लाभ के भी योग हैं, सामाजिक काम में भाग लेंगे, नई कामकाजी योजनाएं भी बनाएंगे। उपाय ये करें कि श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, लोग आकर्षित होंगे, विवाद से चिंतित रहेंगे आप, संतान के व्यवहार से चिंता रहेगी, शाम परिवार के साथ में बिता पाएंगे, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को टॉफी बांटें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद।
बारहवीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। मीन राशि वालों, घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, अकस्मात लाभ की संभावना है। अपने गुस्से को काबू में रखना आपके लिए हितकर रहेगा। संतान से कोई खुशखबरी मिलेगी। लोगों के मुद्दे में दखल अंदाजी करने से बचें। उपाय ये करें कि किसी महिला को नाशपति दान करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। तो दोस्तों, समय आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। देखिए, भाद्रपद का चंद्र दर्शन पर्व है, बड़ा खास दिन माना जाता है चंद्रमा के पूजन का। तो ऐसे में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए चंद्रमा का पूजन अर्चन करें, चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा पर एक चांदी का सिक्का चढ़ाएं, बस यूं दिखा दें चांदी के सिक्के, और इसे तिजोरी में स्थापित कर दें। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम सौम्य जनकाय नमः। ओम सौम्य जनकाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको, सौभाग्य की निश्चित प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।